नमस्कार दोस्तों। कई लोग बोलते हैं, सर कोई अच्छी बुक सजेस्ट कीजिए, कौन सी किताबें पढ़ें जिनसे जीवन बदले। तो आइए आपको ज़िंदगी की असली किताबों से रूबरू कराते हैं। ये जो किताबें हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं ना, इन्हें कोई लेखक लिखता है, बहुत सारे विचारों को इकट्ठा करके फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करता है, सोच समझ कर लिखता है, सेंसर करके लिखता है। हर आदमी अपनी कहानी में हीरो होता है, भले वो असल जिंदगी में जीरो। ये जो किताबें हैं जो हम एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, इनसे हमें वो ज्ञान नहीं मिलता जो ज्ञान जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। बहुत लंबे समय से मैंने किताबें नहीं पढ़ी, क्योंकि एक तो वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं जिंदगी की असली किताबें पढ़ता हूँ। पता है जिंदगी की असली किताबें कौन सी हैं? जिंदगी की असली किताबें हम और आप। अपने ही जीवन की कहानियों को मैं पुस्तकों में लिख दूँ और फिर आप उन्हें पढ़ लो, बात वही हुई ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आपको लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट जुड़ना पड़ेगा। तब फिर वो आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, उनके अनुभव से हमें सीखने को मिलता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट नॉलेज। सबसे बड़ी नॉलेज क्या है? हमारे अनुभव, लोगों के अनुभव, उनसे हमें सीखना चाहिए। ये जो किताबें जो हम ढेर सारी कीमत अदा करके लाते हैं और अपने सेल्फ में बरसों बरसों रखे रहते हैं, 40 साल 50 साल, ये वो जरूरत नहीं है। ये जिंदगी की चलती फिरती किताबें हैं जो सड़कों पर घूम रही हैं, जो बूढ़े होकर बिस्तरों पर लेटी हुई है। हमारे बूढ़े बड़े बड़े अनुभव इकट्ठे करके बिस्तर पर पड़े हैं, वो चाहते हैं कि कोई सुने, उन्हें सीखे समझे। मगर कौन है जिसके पास बूढ़ों के लिए वक्त है? हम तो मोबाइल में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें नकली किताबों में उलझ गए। मोबाइल्स में कौन से डाटा है? वही ना जो किताबों में छपे हैं। असली किताबें लोगों की जिंदगियाँ। जब आप किसी पर्सन से जुड़ जाते हो, मैं ये तो करता हूँ, कोई आदमी मुझसे बात करता है तो अपनी स्टोरी जरूर शेयर करता है, सर हमने ऐसा किया, फिर वैसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। मैं बड़े ध्यान से उस व्यक्ति को सुनता हूँ, बहुत ध्यान से सुनता हूँ, फिर उससे सीखता हूँ। बहुत सारी रेमेडीज़ मुझे लोगों से सीखने को मिली, बहुत सारा ज्ञान मुझे लोगों से सीखने को मिला। ये जो आम लोग होते हैं ना, दरअसल यही खास लोग रहते हैं, और ये जो खास लोग रहते हैं ना, ये आम लोगों से भी बदतर रहते हैं। इनके पास तो बड़े बड़े घमंड, बड़े बड़े गुरूर रहते हैं, हम ये ज्ञानी, हम वो ज्ञानी, लेकिन असली सबक जिंदगी का आम आदमी सिखा देता है। कि जो फिल्में देखने जाते हैं ना, हिंदी फिल्में, तो हीरो क्या करता है? ऐसा मेकअप करता है कि वो बिल्कुल आम आदमी के जैसा दिखे, तभी हमें पसंद आता है। हमें भी पता है इतना बड़ा फिल्म स्टार है, लेकिन हूबहू वो आम आदमी के जैसा दिख गया। जब आप एक साधारण आदमी होते हो ना, जब आप एक रियल पर्सन होते हो, तब आपको सारी दुनिया पसंद करती है। तो आपसे क्या करना, ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना बंद कर देना और लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाना, उनसे बातें करना। आजकल तो बातचीत का दौर लगभग खत्म ही हो चुका है, हर आदमी मोबाइल में डूबा हुआ है। ट्रेन्स में देखो, बसेस में देखो, घरों में देखो, सब मोबाइल में घुसे हुए हैं। ये मुर्दा मोबाइल कहाँ ले जाएगा आपको? जिंदा लोगों से कनेक्टिविटी बनाइए, मोबाइल भी देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, सब कुछ यूज़ कीजिए, यूट्यूब यूज़ कीजिए, व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, फेसबुक यूज़ कीजिए, ट्विटर यूज़ कीजिए, मगर उसकी भी एक समय सीमा हो, अपने लिए और लोगों के लिए तो वक्त निकालिए। क्योंकि ज़िंदगी की किताबें जो पढ़नी हैं आपको, ये किताबें बड़ी खूबसूरत होती हैं। कैसे कैसे अनुभव हुए लोगों को, कौन कौन से खतरे उठाने पड़े उन्हें, कैसे कैसे धोखे खाने पड़े उन्हें, कहाँ कहाँ से सबक मिला, किन किन लोगों ने विश्वास तोड़ा, किस कदर तोड़ा, फिर उन्होंने कितनी हिम्मत जुटाई, फिर वो कैसे आगे बढ़े ज़िंदगी में। ये सब जब आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और वो अनुभव आपको कुछ और सिखा जाएंगे। किताबी ज्ञान से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है आत्मिक ज्ञान। बड़े बड़े MBA करने वाले लोग जो ना कर सके, वो धीरू भाई अंबानी ने बिना MBA किए हुए बड़े बड़े बिजनेस के एम्पायर खड़े कर दिए। MBA करके तो हम बहुत छोटी सी नौकरी पा पाते हैं आजकल, 10-15-20 हज़ार रुपये की। धीरू भाई अंबानी ने
किसी यूनिवर्सिटी से MBA नहीं किया था, उन्होंने जो सीखा अपने अनुभव से सीखा, जो सीखा वो ठोकरे खाकर सीखा, वो असली एक्सपीरियंस था, वो रियल एक्सपीरियंस था। जब आप जिंदगी के असली मैदान में उतरते हो, जब आपको खुद को साबित करना होता है जिंदगी में, तब कुछ दूसरे एक्सपीरियंस आते हैं, तब वो किताबी ज्ञान काम नहीं आता। वक्त के हिसाब से, देश समय और काल के हिसाब से जैसे सब लोग हैं वैसे बनकर आपको जीना पड़ेगा। समय की रफ्तार को समझो, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहो, जिंदगी की असली किताबें पढ़ते रहो, लोगों से कनेक्टिविटी बनाकर रखो। मैं बहुत सारे लोगों से बातें करता हूँ। कल ही मैंने अपने एक फेसबुक के बहुत पुराने मित्र से बात करी, 5 ही मिनट बात करी, दो बातें हो गई, हमारे संबंधों पर मजबूती की मोहर लग गई। जब आप अपनी तरफ से किसी को फ़ोन करते हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है, सामने वाला बड़ा खुश होता है, अरे चलो याद तो किया। लेकिन हम तो सामने वाले की ही फ़ोन का इंतज़ार करते रहे, हम तो अपने दरवाजे पर दस्तक देने का इंतज़ार करते रहे, सारी ज़िंदगी हमने अपने दरवाजे खोले नहीं, अंदर सड़ते और मरते रहे। कब तक ऐसे बंद बंद जियेंगे आप और हम? आइए खोल देते हैं दिलों के दरवाजे और लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। और आप ये कर सकते हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।